Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. farheen and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know, that today we are going to start chapter number six, and the name of our chapter is Force and Motion. And my dear students, today is the introduction of this chapter. I complete introduction chapter, are going to this, are reading pages, are going to this, are going to activities So, my dear students, let's get started.

All types of motions need force to move. Many tools and machines have been invented to reduce force, such as the lever, pulley, etc. Force have various forms in various grades. You have learned about two forms of force, that is, push and pull. In this grade, we will learn about contact force, that is friction, and at a distance force, that is gravity, along with simple machines. सो माय डियर स्टूडेंट्स फोर्स जो है और मोशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम प्रीवियस बहुत सारे ग्रेड्स में जो है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फ़ोर्स एंड मोशन फोर्स एंड मोशन अगर आप फोर्स uh, अप्लाई करते हैं ताकत लगाते हैं तो चीज़ें जो है वो मूव करती हैं हमने पुश एंड पुल के बारे में पढ़ा है इसके अलावा अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आप uh, जो है वो कम ताकत लगाकर वज़नी चीज़ों को उठा सकते हैं जिसके लिए मुख्तलिफ जो है लेवर पुली गेयर्स और इस तरह की जो सिंपल मशीन हैं उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ओके माई डियर स्टूडेंट्स सो इन द फर्स्ट लेक्चर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब फोर्स एंड मोशन विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ सो माई डियर स्टूडेंट्स पहले लेक्चर में बच्चे जो है फोर्स एंड मोशन जो है उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे और जो डेली लाइफ में हम एग्जाम्पल्स या काम करते हैं और जो कि रिलेट करती हैं फोर्स एंड मोशन के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे

लेक्शन नंबर टू बी दिल बी एबल टू इनगेट फ्रिक वर्क अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स सो माई डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम फ्रिक्शन के ऊपर बात करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जब दो सतहें जो है वो आपस में रगड़ खाती हैं और वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो वर्क करती हैं तो उससे भी एक फोर्स जो है वो पैदा होती है दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन and then we will discuss about lecture number 3 and in the lecture number 3 the students will be able to provide reasoning with evidence that force can be either determinal or useful under different circumstances so my dear students इसके बाद बच्चे जो हैं वो um, reasoning provide कर सकेंगे कैसे force of friction जो है वो determinal भी हो सकती है और different भी हो सकती है इन different circumstances useful भी हो सकती है और determinal भी हो सकती है यानी कि उसके कुछ फायदे भी हैं और उसके कुछ नुकसान आती है So my dear students in lecture number uh, 4 the students will be able to again they will be able to provide reasoning with evidence that friction can be either detrimental or useful under different circumstances Then in lecture number 5 a the students will be able to recognize that simple machines that is lever pulley gear ramps help make motion easier make lifting things easier and reduce the amount of force required

दैन इन लेक्चर नंबर एट दूडेंट्स विल रिव्यू द चैप्टर हम तमाम चैप्टर को रिवाइज करेंगे तमाम एस एल एस को रिवाइज करेंगे एंड बाय द एंड आई विल प्रोवाइड यू विद एन असेसमेंट शीट और इस तरीके से हमें पता चलेगा कि स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर से क्या सीखा सो माई डियर स्टूडेंट्स यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ स्टेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर हैव ए गुड डे थैंक यू सो मच